नाज़रीन, आज आपको एक चीज़ से मैं थोड़ी आगाही देता हूँ। ये हिसाब को देखें, ये जूतियाँ उतार के चल रहे हैं और यहाँ पे फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है और उनकी कंडीशन देखें, बड़ी मुश्किल से वो चल रहे हैं। अभी एक साहब को और को भी मैंने देखा, वो भागते हुए गए हैं, जवान थे। तो ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मैं अभी आपको मज़ीद आगे गाइड करता हूँ। अब एक ये साहब भी आ रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं और ये पैदल चल रहे हैं और फर्श पे गर्म है, नंगे पांव चल रहे हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है काफ़ी। ये देखें, ये अपने मैं नाज़रीन को कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अब एक ये साहब भी हैं, ये भी नंगे पांव में से चल रहे हैं, ये एहतरामन चल रहे हैं मस्जिद नबी के एहतराम में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये जो जगह है, ये इस वक्त जोहर की नमाज़ के बाद का टाइम है, आलमोस्ट 2:19 है और यहाँ पे जो फर्श है बहुत ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से आम पब्लिक का चलना यहाँ पे बग़ैर जूती के बड़ा मुश्किल है। अब ये साहब भी बग़ैर जूती के वो चल रहे हैं ये आगे आगे, और आप देखिएगा कि फर्श की ये तपश होने की वजह से पाँव रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या है कि जो जवान हैं, यंग हैं, वो तो बर्दाश्त कर लेंगे और जो बूढ़े हैं वो बेचारे किस कदर तकलीफ़ में रहते हैं, तो काइंडली इहतराम ज़रूर करें। अब ये साहब भी पैदल चल रहे हैं बग़ैर जूती के, और इसमें क्या है, वो पाँव बड़ी मुश्किल से रख रहे हैं वो, ये देखें, क्योंकि फर्श बहुत गर्म है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि अपने आप को तकलीफ मत पहुँचाओ। ये देखें, वो दौड़ लगा रहे हैं, ये देखें, ये अब ये साहब देखें किस तकलीफ़ में भाग रहे हैं बग़ैर जूती के, वो साया ढूंढ रहे हैं। आप देखें, ये एहतराम हमें बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे तो पलकों के बल भी अगर चला जाए तो थोड़ा है, लेकिन अपनी ज़ात को तकलीफ़ देना भी मना किया गया है। ये साहब भी गुजर के गए हैं लेकिन काफ़ी तकलीफ़ में दिख रहे थे, क्योंकि उनकी चाल से पता चल जाता है वो साहब गए हैं। वो देखें, वो दौड़ लगा रहे हैं। अब ये देखें, ये छाँव छाँव में आने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हमें छाँव मिल जाए, और साइड पे होके आ रहे हैं आगे। वो इनको मैं भागते हुए देखा है कि ये धूप की तपश की वजह से भागने की कोशिश कर रहे थे कि साइड साइड पे जाया जाए। तो असल बात करने की ये मुराद है कि हम अपने अखलाक को क्यों नहीं बेहतर करते। अब ये देखिएगा, वो रुके हुए हैं, जैसे ही उन्होंने कोशिश करनी है, मेरे फेस के ऊपर सूरज की तपश पड़ रही है और मुझे तकलीफ़ हो रही है, महसूस कर रहा हूँ। तो जो लोग इस तरह पैदल लाते हैं, ये देखें वो किस तकलीफ़ से दो चार होते हैं। अच्छा, एक ये साहब हैं, ये जूती के बग़ैर चल रहे हैं, दो तीन हैं, और इसमें कि ये बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन बर्दाश्त से बाहर है। अब ये साहब आ रहे हैं, इनका भी आपस में ये जूते नहीं पहने हुए और किस तकलीफ़ में आ रहे हैं, मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है। अब ये देखें, इनकी जो हालत है, वो साया ढूंढेंगे, ये देखें एकदम वो साए की तरफ चले गए। ये साहब भी देखें, बग़ैर जूते के जा रहे हैं, और जब ये साए के करीब जाएंगे तो इन्होंने दौड़ लगा देनी है। ये उस साइड पे जा रहे हैं। अब ये देखें इनकी हालत, ये एक ये साहब है, इन्होंने हाथ में जूती पकड़ी हुई है लेकिन एहतरामन उन्होंने जूती नहीं पहनी हुई और वैसे चल रहे हैं, और तपस की शिद्दत है बहुत ज़्यादा। ये दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम है। इनमें अब ये एक साहब हैं, ये भी उन्होंने जूती उतारी हुई है, जवान है,
और ये उनके पांव रखने के अंदाज़ को आप समझ जाएंगे कि किस कदर तकलीफ़ में है। लेकिन क्योंकि एहतरामन वो, अब ये देखें, ये दौड़ लगा दी इन्होंने। तो असल बात है कि आप एहतराम करें मस्जिद नबी को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ये मस्जिद नबी है और यहाँ पे जितना भी एहतराम किया जाए कम है, पलकों के बल भी चलें तो वो भी कम है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात को तकलीफ़ देने से मना फरमाया। हम उनकी बात को समझें, एहतराम ज़रूर करें, लेकिन जिस काम से आपको तकलीफ़ हो रही है, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, आपको भूख लगी हुई है, तो पहले आप खाना खाएं, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आपकी सारी तवज्जो इबादत की तरफ हो, ना कि आप किसी और तरफ तवज्जो, कोई और मसला मसाइल हो तो आप उसमें पहले उसको हल करें, फिर उसके बाद आप अपना वो काम करें जिसमें आपकी इबादत में खलल ना पैदा हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ऐसे काम मत करें जिससे आपकी ज़ात को तकलीफ़ हो। आप अपना अखलाक बेहतर करें और वो काम करें जो जिसके लिए आप अपने मुल्क से यहाँ पे आए हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा मेन मकसद ये है कि ये चीज़ें जो है देखें, इसमें कोई बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, औरत ज़ात भी है। मैंने अभी औरत ज़ात को भी देखा, वो भी बेचारी भागते हुए गई, लेकिन मैंने उसकी वीडियो शूट नहीं की। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली आप जहाँ पे तकलीफ़ हो रही है वहाँ पे जूती पहने। हम लोग पहन के जा रहे हैं, ये मजबूरी है, हमें एहतराम बेशक है, इससे ये मतलब नहीं कि आपने उतार दी है तो आप ज़्यादा एहतराम कर रहे हो और जिसने पहनी हुई है वो एहतराम कम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब ये साहब भी, इन्होंने हाथ में जूती पकड़ी हुई है लेकिन एहतरामन जूती पहन नहीं रहे और पाँव जल रहे हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर तक ये साए की तरफ भागेंगे ताकि जल्दी से जल्दी साया मैसर आ सके। तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है, ये देखें आप, उन्होंने जूती पहन ली है, इस कदर जलन हो रही है। अब ये एक और साहब, ये देखें, ये किस कदर तकलीफ़ में भागते हुए आ रहे हैं, इन्होंने जूती नहीं पहनी हुई। तो ये सारा बताने का मतलब और दिखाने का मतलब ये है कि आप एहतराम ज़रूर करें, लेकिन वो काम करें जिससे अपनी ज़ात को और दूसरों को नुकसान हो। आपको देख के कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई औरत ज़ात है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो लिहाजा आप ऐसा काम ना करें जिससे अपने ज़ात को भी तकलीफ़ हो और दूसरों को भी तकलीफ़ हो। तो सारा बताने का ये मतलब है कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे और वो काम करने की तौफीक दे जिसमें अल्लाह ताला राज़ी और आपका नबी राज़ी है। ठीक है, अब ये साहब भी बग़ैर जूती के जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे जाके इनकी कंडीशन देखिएगा कि वो वहाँ पे जब साए के करीब पहुँचेंगे तो एक किस्म की इन्होंने दौड़ लगा देनी है। ठीक है, अभी मैंने छोटा सा एक बच्चा देख रहा था, वो भी बेचारा भागता जा रहा था। तो इसलिए लिहाजा ये देखें, ये देखें, अल्लाह ताला हमें हदायत की तौफीक दे और ऐसे काम मत करें जिससे दीन में कोई नई ऐसी चीज़ है जिससे हम बिला वजह उसको अपने पे लागू कर रहे हैं। एहतराम ज़रूर करें लेकिन अपने अखलाक में बेहतरी करें और अपने जो जिस मकसद के लिए हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। उमरा, हज, जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। अल्लाह ताला हदायत दे, ईमान दे और तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह।